आपको इन्होंने 70 साल एक्साइज किया, लेकिन उनकी बुनियाद जो है उसकी बुनियाद गुजर के खिलाफ, पहाड़ी के खिलाफ, जाट के खिलाफ और नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान के खिलाफ पड़ी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद। लेकिन हम लोगों ने उनको कंधे पर उठाया, उन्होंने जो हालत कश्मीर के गरीब कश्मीरी की करी, बारामूला कपवाड़ा अनंतनाग के पहाड़ी और गरीब गुजर की करी, इसी तरह रजौरी, पुंछ, रियासी और डोडा में आज भी आप जाएंगे तो आपका समाज इतनी खस्ता हालत में है कि बोर्ड तो क्या इनको किसी भी तरीके से इनको ज्वाइन करते हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपका वोट मांगने की। इन्होंने जम्मू में जम्मू के गुजरों की, जम्मू के मुस्लिम समाज की एक साजिश के तहत उनकी जमीनें जेडीए में डाली। फारूक अब्दुल्ला साहब, हमें सब आपकी हकीकतें पता है, आपने पुंछ को, रजौरी को कश्मीर के साथ नहीं करने दिया। आप किसी को गाली निकालते हैं वो गरीब गुजर है, गरीब पहाड़ी है, गरीब कश्मीरी है, आप उसको गुजर बनते हैं। देश के वजीर आजम को मैं मुबारक पहुंचूंगा कि उसने आपको इज्जत दी और आपको एक लड़क दी, एक रोशनी दी और अपने जब वजीर आला थे गुजरात के, जम्मू की मौलाना आजाद के लिए मैं कहा था कि अगर मैं देश का वजीर आजम बना तो मैं यहां की जो पॉलिटिकल एम्पावर ताकत नहीं है उनको मैं पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा। आज हमें ताकत दी है भारतीय जनता पार्टी ने, आज हमें बचौले खत्म करे हैं। कांग्रेस के जमाने में 100 रूपया दिल्ली से आता था और 10 रूपये आपके पास पहुंचते थे। आज अगर हमने बिना मजहब लिहाज मिलत हमने जम्मू और कश्मीर के हर सरपंच के कोर्ट में 23 लाख कुछ हजार सालाना डाला। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमने आपको इतफाक किया, हम लड़वाने की वो नहीं रखते हैं। हमने वहां वकालत की कि गुजर जो है उसका हक आप नहीं छीन सकते। आज जब बातें करते हैं हम 370 आएंगे, अरे 370 के लिए फारूक अब्दुल्ला आपको 96 में लोगों ने 2/3 मेजोरिटी दी थी, आपने डस्टबिन में डाल दी थी अकाउंटिंग की रिपोर्ट, आपने कचरे में डाली और यहां के जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लोगों को आप इंसान करते हो, झूठ बोलते हो। फारूक अब्दुल्ला, आज आप कश्मीर में, जम्मू में, रजौरी, पुंछ में और दिल्ली में अलग अलग नहीं बोल सकते। आज गुजर का बच्चा, गरीब का बच्चा आज मोबाइल पे देखता है आपकी असल हकीकत, असल चेहरा क्या है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आपको, मैं घनी साहब को, इसके सभी कारकुनों को, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है जिला की, मैं मुबारकबाद दूंगा कि जो सिराए जो आपने जो आए हैं, मैं चाहूंगा कि आप सबसे ज्यादा जीत जम्मू कश्मीर में किसी एमएलए की हो तो आपके पुंछ का सेरा आना चाहिए। सबसे ज्यादा जीत और इतनी जो आपके चेहरे पे झुरियां है ना वो हम खत्म करेंगे, चले हमने खत्म करे है। आपका हक आपके अकाउंट में हमने डाला है, किसान का पैसा हमने डाला है और हम डालेंगे। पूरे देश में कहीं भी आयुष्मान भारत का कार्ड जो है वो नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमने मजदूर को भी दिया, गुजर को भी दिया, कश्मीरी को भी दिया, पहाड़ी को भी दिया, डोगरा को भी दिया, दलित को भी दिया और हमने फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती को भी करीब फासला दिया। इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। मैं जानता हूं कि आप सुबह 4 बजे घर से आए होंगे, आपने रास्ता नहीं लिया होगा, आपकी हिम्मत देखे, आपका चंबा देख के मैं गरीब साहब को कहूंगा कि पुंछ के लोग आपको जम्मू कश्मीर की असेंबली का सबसे बड़ी जीत का मेरे बनाएंगे। ये मुझे उम्मीद है और हमारी
जनता पार्टी की तरफ से पुंछ के लोगों को हम भी नाराज नहीं करेंगे और आपकी इज्जत, आपकी ईमान, आपकी ताकत का हम जिम्मा लेते हैं। वैसे भी हम आपका वैसे भी हम ख्याल रखते हैं और जो भी प्रॉब्लम हम, मैं अभी डायरेक्ट फोन में दर्ज करता हूं, आपके जो भी मसाइल हैं या हमारे स्पीकर बोर्ड से बोलने वाले आप सब लोग सुने आए थे, बिना नाश्ता किए आपका जज्बा देख के भारतीय जनता पार्टी आपका शुक्र अदा करती है। और अभी हम बड़े पीसफुल तरीके से, बड़े इत्मीनान से एक दूसरे को रास्ता देते हुए, बुजुर्गों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आगे रास्ता देते हुए अभी हम नॉमिनेशन फाइल आप इनका गणेश साहब का पर्चा भरेंगे। और मैं आपको इन अल्फाज के साथ दो बातें करनी थी, मैंने कहा आपने स्टेज नहीं बनाई, कहते गोदरी में फिर स्टेज नहीं, अगर अंदर सलाम आ गए लोगों की मोहब्बत है तो स्टेज पर ही चल गया पूरा शुक्रिया। इंशाल्लाह तारीफ इतनी नगर देते हैं या मेरे बाद हुआ शुक्रिया।